बीते कुछ दिनों से आप देख ही रहे होंगे, अयोध्या में एक से बढ़कर एक चमत्कार आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी कहीं गिद्धों का झुंड नजर आ रहा है तो कहीं बंदरों की फौज नजर आ रही है, और ये सब इतने अचानक से हो रहा है कि इसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो रही है। और अब तो यह भी कहा जा रहा है कि अयोध्या राम मंदिर में अपने प्रभु श्री राम जी को नमन करने के लिए साक्षात हनुमान जी प्रकट हुए हैं। इतना ही नहीं, इस घटना को लेकर फिल्म भी बनाई जा चुकी है जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए, जहां हनुमान जी ने लाखों लोगों की जान बचाई थी। पर यह सब कैसे हुआ था, कैसे हनुमान जी ने अपने भक्तों की जान बचाई थी, आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यह बात है सन 1998 की। हर रोज की तरह हनुमान गढ़ी के सामने बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही थी, जो हनुमान जी के दर्शन करके जा रहे थे। तो तभी वहां पर एक जीप पुलिस वालों को खड़ी हुई मिलती है, जिसे देख पुलिस वाले को लगता है कि शायद यह जीप किसी भक्त की होगी। एक घंटा गुजरता है, दो घंटे गुजरते हैं, तीन घंटे गुजरते हैं, लेकिन उस जीप को लेने के लिए कोई नहीं आता। कुछ ही समय बाद पुलिस उस जीप को लेकर थाने चली जाती है, जहाँ उस जीप की तलाशी होती है, जिसके अंदर एक मोटर मिलती है। वही मोटर था जिसके अंदर से पानी निकलता है। आमतौर पर इस मोटर को कुल्लू मोटर भी कहते हैं। जब इस मोटर को खोला जाता है तो इसमें से कुछ पाउडर जैसा निकलता है। पुलिस को समझ नहीं पाती और स्पेशल टास्क फोर्स को बुलाया जाता है, जिसे उस समय अविनाश मिश्रा लीड कर रहे थे, जो बहुत ही जाने माने पुलिस वाले हैं, जिन्होंने 150 से ज्यादा एनकाउंटर किए। अविनाश मिश्रा जैसे ही जीप के पास पहुंचते हैं, वे कहते हैं यह कोई नॉर्मल पाउडर नहीं है बल्कि RDX है। इसे देखते ही उन्हें यह समझने में देर नहीं लगती, RDX पूरी अयोध्या में फैल चुकी है। तुरंत ही पूरी अयोध्या को अलर्ट किया जाता है, और तुरंत ही एक घंटे के अंदर 8 जगहों पर RDX बरामद होता है। और यह अपने आप में ही हैरान कर देने वाली घटना थी कि आतंकवादियों ने साजिश रची थी कि एक बार में ही पूरी अयोध्या को नष्ट कर देंगे। क्योंकि यह जीप हनुमानगढ़ के पास मिली थी, तो इस बात की भी पूरी उम्मीद थी कि वहां पर भी RDX रखा गया होगा। स्पेशल टास्क फोर्स तुरंत हनुमानगढ़ की तलाशी में लग जाती है, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद पुलिस वालों को कुछ नहीं मिलता। डॉक्टर अविनाश मिश्रा थक हार कर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी स्पेशल टास्क फोर्स का एक सदस्य मंदिर के अंदर से निकलता हुआ दिखता है। लेकिन जब उसे अच्छे से देखा जाता है, तब अविनाश मिश्रा सोचते हैं कि यह तो हमारी टीम में था ही नहीं, इसलिए जैसे ही उसे आवाज दी जाती है वह भागने लगता है। SCF की टीम यह समझ जाती है कि यह कोई आतंकवादी है, और जैसे ही उस आतंकवादी को पकड़ा जाता है वह हंसने लगता है और कहता है कि अब कोई कुछ नहीं कर सकता है, मैंने यहाँ पर टाइम बम फिट कर दिया है। और घड़ी देखकर बोलता है कि बस एक मिनट बचा है, जाओ जो करना है कर लो। आतंकवादी की बात सुनते ही अविनाश मिश्रा हनुमानगढ़ की अंदर की तरफ को भागते हैं। स्पेशल टास्क फोर्स की पूरी टीम हनुमानगढ़ का कोना कोना छान मारती है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। मुश्किल से 20-30 मिनट का वक्त बचा होगा, उतने में ही टीम को लीड कर रहे अविनाश मिश्रा की नजर एक बंदर पर पड़ती है। वो बंदर वाटर कूलर के ऊपर बैठकर तारों को काट रहा था, और इतने में ही अविनाश मिश्रा को शक होता है कि शायद इस वाटर कूलर के अंदर कुछ हो सकता है। और वो चाहते थे कि अगर यह बंदर तारों को छोड़ दे तो हम यहाँ पर कुछ चेक कर सकते। इतने में अविनाश मिश्रा ने बंदर की तरफ को केले फेंके, लेकिन उस बंदर ने केले नहीं उठाए और वह वहां से तुरंत भाग जाता है। उसके बाद बम डिफ्यूज करने वाले व्यक्ति को वाटर कूलर के पास भेजा जाता है, और जैसे ही वह वाटर कूलर के पास जाता है और वह जोर से चिल्लाता है, उसकी आवाज सुन के वहां पर आसपास जो लोग खड़े हैं वह डर जाते हैं। वह आदमी जोर से चिल्ला के कहता है यह तो टाइम बम है, लेकिन फिर वह कहता है कि यह 3 सेकंड पे रुक चुका है। अविनाश मिश्रा के साथ साथ स्पेशल टास्क फोर्स को यह समझते देर नहीं लगी कि यह वही तार है जिनको बंदर काट रहा था, वह इस टाइम बम के ही थे जिसे उसने डिफ्यूज कर दिया था। यह बहुत बड़ा चमत्कार था, इसलिए अविनाश मिश्रा उस बंदर को ढूंढने चल पड़े, लेकिन तभी उनकी नजर हनुमानगढ़ी मंदिर के शिखर पर जाती है, जहां पर बंदर
कलश को सहलाते हुए नजर आता है। जिसने भी यह नजारा देखा वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर छोटे बानर के रूप में साक्षात हनुमान जी आए थे, जिन्होंने हनुमान गढ़ी को बचाया था। अपने आंखों के सामने साक्षात हनुमान जी को देखकर सभी पुलिस वालों की आंखों से आंसू आने लग गए थे। और थोड़ी ही देर में वह बंदर आप सबकी आंखों से ओझल हो जाता है। उसके बाद दोबारा कोई उस बंदर को नहीं देख पाता। अविनाश मिश्रा स्वयं बताते हैं कि जो हमने अपनी आंखों से देखा हमें खुद पे विश्वास नहीं होता। वे कहते हैं कि हमें पता नहीं था कि इस तरह बजरंग बली अपने भक्तों को बचाने के लिए पहुंच जाएंगे, क्योंकि अगर वह वक्त पर ना पहुंच के वो टाइम बम के तार ना काटते तो 3 सेकंड बाद बम विस्फोट हो जाता और वहां पर कोई भी नहीं बचता। लेकिन भगवान भला ऐसा कैसे होने देते। इस घटना को अविनाश मिश्रा पर बनी फिल्म इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा में भी दिखाया गया, जो 2023 में रिलीज हुई। ऐसे भगवान कई बार धरती पर आए हैं और उन्होंने अपने भक्तों को किसी न किसी रूप में बचाया है। और आपको मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।